रायबरेली अमेठी सांसद किशोरीलाल शर्मा ने योगी सरकार पर बोला हमला। कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नाम लिखे जाने के आदेश को बताया गलत। अमेठी सांसद किशोरीलाल शर्मा एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रायबरेली आए थे। अमेठी सांसद किशोरीलाल शर्मा ने कहा, भारत एक सेक्युलर देश है और संविधान ने सबको अधिकार दिया है। उत्तर प्रदेश में जहाँ गंगा जमुना तहजीब पूरे देश में एक मिसाल के तौर पर देखी जाती है, इस तरह आदेशों से लोगों में गलत संदेश जा रहा है। अमेठी सांसद ने कहा कि विदेशों में बसे भारतीय लोगों के साथ अगर वहां इस तरह का व्यवहार होने लगे तो कैसा लगेगा। उन्होंने कहा, सरकार जनता के लिए होती है, सरकार का काम विकास करना और जनता के इमोशंस को समझना होता है। सरकार ने आदेश दिया है कांवड़ यात्रा के दौरान पूरे उत्तर प्रदेश में दुकानों के नाम जो है लिखे जाए, कैसे देखते हैं सरकार के आदेश को? नहीं, ये देखो, मैं तो इसको गलत मानता हूँ, क्योंकि देखो ये देश सेकुलर देश है, इसके अंदर कोई इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए कि हम लोग उसका संदेश क्या दे रहे हैं। क्योंकि आपने अच्छे के लिए भी किया होगा, लेकिन संदेश क्या जा रहा है पब्लिक में, उसकी बात है। देखो ये देश जो है सेकुलर देश है, यहाँ पे सबको सब अधिकार है, संविधान ने दिए हुए हैं। अब दूसरा ये है कि यहाँ गंगा जमुनी तहजीब के लिए उत्तर प्रदेश माना जाता है। अगर गंगा जमुनी तहजीब को चोट पहुँचती है तो ये तो ठीक बात नहीं, ये देश के लिए ठीक नहीं है। अगर मान लो बाहर के देश ये हमारे नागरिकों के साथ जो वहाँ बसे हुए हैं ये सलूक करें तो हमको कैसा लगेगा, इस संदर्भ में सोच के निर्णय लेने चाहिए सरकार को। और सरकार जनता के लिए होती है, जनता सभी धर्मों की सभी जातियों की जो होती है उनका सबका विकास करना, सबके इमोशंस का ख्याल रखना, ये सरकार का काम होता है। तो सरकार को राजधर्म का पालन करना चाहिए।